पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण रायसेन, सांची और ओबेदुल्लागंज ब्लॉक में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मौसम विभाग ने पहले ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया था और उसकी भविष्यवाणी सही साबित हुई है। लगातार भारी बारिश से कई जगहों पर पानी भर गया है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शीतल सिटी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तालाब मोहल्ला वार्ड 13 और अर्जुन नगर के कई मकानों में पानी भर गया है। रीछा नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसमें अली मार्ग पर स्थित पुल के ऊपर 10 फीट पानी बह रहा है। जिला मुख्यालय पर भी ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं होने के कारण कलेक्टर कार्यालय परिसर में बाढ़ जैसे हालात हो गया है। कलेक्टर अरविंद दुबे ने मंडीदीप के सतलापुर हाई स्कूल में बने अस्थायी बाढ़ राहत कैंप का निरीक्षण किया। नगर प्रशासन के कर्मचारी जेसीबी मशीनों से जल निकासी के काम में जुटे हुए हैं। भोपाल के भदभदा और कोलार कलियासोत डैम से पानी छोड़े जाने के बाद मंडीदीप और बेतवा नदी के किनारे के गांव में हाई अलर्ट जारी किया है। छोटे पुल पुलियों पर पानी भरने के कारण दर्जन भर से अधिक गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। दीवानगंज के कई घरों में पानी भर गया है और 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है। जिला प्रशासन स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।